अगर दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो को आप लोग अगर नहीं देखे हो तो ऊपर में आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लेना। ये जो उस वीडियो में मैं बोले थे जो इसका जो फीचर्स क्या है और मूड क्या क्या है और इस मूड से क्या क्या काम कर सकते हो, तो उसके बारे में आज बताएंगे आप लोगों को। अभी आप लोगों को दिखाएंगे जो इसका जो मूड है वो मूड कौन सा मूड से आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो और मूड में क्या क्या काम होता है तो आप लोगों को। तो चलिए पहले हम कैमरा को ऑन कर लेते हैं। तो इसका ढक्कन भी खोल देते हैं। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, पहले ऑन कर लेता हूँ। अभी देखिए कैमरा में मैं कैमरा ऑन किया हूँ, इसके बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले वाला जो मूड है देखिए ऑटो मूड है, तो ऑटो मूड में आप लोगों को कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चेंज का ऑप्शन भी आप लोगों के देता नहीं है, क्योंकि ऑटो मूड आपका कोई भी पिक्चर जो भी पिक्चर आप लोग खींचेंगे उसको ऑटोमेटिक फोकस, ऑटोमेटिक कलर सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऑटो मोड के बारे में आप लोगों को जानकारी आ गया, जो आप लोग ऑटो मोड में कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो ऑटो मोड के बाद दूसरा देखिए SCN, मतलब देखिए स्पेशल स्किन। तो इसको इसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो, तो इसको आप लोगों को चूज करना है। तो देखिए इधर पहले वाला जो ऑप्शन है स्पोर्ट्स मोड्स, अगर आप लोग मतलब दौड़ रहे हो या वॉक कर रहे हो तो इसके लिए स्पोर्ट्स मोड। दूसरा ऑप्शन देखिए, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखिए जो किड्स मोड, तो आप लोगों किड्स अगर कहीं पे खेल रहा है तो उसको खींचने के लिए आप लोगों को ए मोड अवेलेबल है। ए मोड से आप लोग किड्स का जो वीडियो है वो शूटिंग कर सकते हो। तो तीसरा जो मोड है देखिए फ्लावर मोड, मतलब आपका जो भी आप लोग फ्लावर को खींचेंगे फोटो तो बैकग्राउंड देखिए कितना ब्लर आया है, तो ये वाला मोड से आप लोग बैकग्राउंड ब्लर और फ्रंट जब फ्रंट का जो फ्लावर है वो फ्लावर का फोटो खींचने के लिए ये मूड आप लोगों को मिला है। तीसरा वाला जो मूड है देखिए खाने का मूड, तो खाने का जो भी सामान आप लोगों को शूटिंग करना है तो उसी हिसाब से आप लोग ये वाला मूड को सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा मूड आप लोगों को दिखाएंगे एक कैंडल लाइट मूड, देखिए इसमें पिक्चर भी आप लोगों को दिखाता है जो इस मूड से आप लोग कैसे शूटिंग कर सकते हो। तो तीसरा उसके बाद जो मूड है नाइट, देखिए नाइट पोर्ट्रेट मूड, मतलब रात के अंधेरे टाइम आप अगर फोटो खींचेंगे तो नाइट पोर्ट्रेट मूड को आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो मूड है हैंड हेल्ड नाइट स्किन, तो आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर दिखाता है जो आप लोग इस मूड से किस चीज़ का फोटो खींच सकते हो। इसके बाद जो मूड है दोस्तों देखिए HDR बैकलाइट कंट्रोल, मतलब आप पीछे का अगर कोई सनलाइट है अगर दूसरा कुछ लाइट है तो उस कंट्रोल कैसे करना है, तो इस मूड से आप लोग उसी चीज़ को खींच सकते हो। इसके बाद ऑप्शन देखिए पोर्ट्रेट मोड, मतलब आपका बैकग्राउंड पूरा ब्लर आएगा तो आपका फेस जो है वो फेस सिर्फ फोकस रहेगा, तो इसी मूड से आप लोग बैकग्राउंड ब्लर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा उसके बाद जो मूड है देखिए स्मूथ स्किन, मतलब आपका सॉफ्ट जो स्किन है तो इस मूड से आप लोग खींच सकते हो, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो मूड है देखिए ग्रुप फोटो, देखिए ये जो है ग्रुप फोटो, आप लोग अगर ग्रुप फोटो चाहिए तो इस मूड को आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद जो मूड है, देखिए दोस्तों एलियंस के मूड, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड का फोटो खींचना है तो लेंस के मूड से आप लोग फोटो खींच सकते हो। इसके बाद जो ऑप्शन है, देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसका अभी जो हमारा इस मूड से जो भी फोटो आप लोग खींच सकते हो पूरा इधर आप लोगों को दिखा दिया। इसके बाद हम जाएंगे दूसरा मूड पे, देखिए क्रिएटिव फिल्टर, देखिए आप लोग क्रिएटिव फिल्टर, तो इसमें क्या क्या होता है तो चूज फिल्टर में जाके देख लेता हूँ। तो पहले वाला ऑप्शन को देख लेता हूँ, ग्रेनी बी ब्लैक एंड वाइट, तो आपका देखिए फोटो इधर लगा हुआ है, तो इस मूड से आप लोग किस तरह आप लोग फोटो खींच सकते हो। इसके बाद नीचे में देखिए शॉर्प फोकस, तो इस मूड से भी आप लोग सिर्फ मुंह को सिर्फ फोकस रहेगा और बाकी जितना भी पोर्शन है वो ब्लर हो जाएगा, तो इसी मूड से आप लोग खींच सकते हो। तीसरा मूड देखिए फिश आई इफेक्ट, तो इस मूड से देखिए फोटो को आप लोगों को इधर दे दिया, जो इस मूड से किस तरह आप लोग फोटो अब खींच सकते हो। उसके बाद देखिए उसके बाद जो मूड है तो वाटर पेंटिंग इफेक्ट, मतलब इस मूड से आप लोग देखिए किस तरह आप लोग फोटो खींच सकते हो इस मूड से। इसके बाद नीचे देखिए इधर कैमरा, टॉय कैमरा इफेक्ट, और उसके बाद है दे मेन मेंचर इफेक्ट। इसके बाद देखिए कितना सारा मूड दिया हुआ है इसके अंदर, तो आप लोग इसी मूड से इतना सारा फोटो आप लोग खींच सकते हो। उसके बाद जो मूड हम दिखाएंगे, देखिए मैनुअल मूड, ये देखिए मैनुअल मूड को हम चले जाते हैं, तो मैनुअल मूड में आप लोगों को कुछ भी सेटिंग नहीं रहेगा, आप लोगों को खुद से ही सेटिंग करना पड़ेगा। जो आप लोग फोटो खींचेंगे आपका एपर्चर शटर स्पीड आईएसओ सब कुछ आप लोगों को खुद से ही सेटिंग रखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए ए भी मूड, ए भी मूड में क्या होता है एपर्चर, तो इसको आप लोग अच्छे तरह देख लीजिए, ब्लैर्ड और शार्प ये दोनों चीज़ आप लोग खींच सकते हो, मतलब जो चीज़ साफ रहेगा उसको बैकग्राउंड कैसे ब्लर करना है तो उसी चीज़ का फोटो आप लोग खींच सकते हो, तो ए भी वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों टीवी वाला मूड, तो टीवी में क्या होता है शटर प्रायोरिटी ए, मतलब आपका जो फ्लोइंग है, मतलब जो भी झरने का फोटो है अगर पानी का भी फोटो होगा तो उसका कैसे फ्रोजेन कर देते हैं, मतलब वो कैसे गिर रहा है तो उसका भी फोटो खींचता है टीवी वाला मूड पे। अभी उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे पी जो मूड है, इसको दिखाएंगे प्रोग्राम ए, तो इधर देखिए डार्कर स्टैंडर्ड ब्राइटर, तो ये तीनों चीज़ का आप लोग फोटो खींच सकते हो। उसके बाद दोस्तों ऑटो वाला मूड आ गया, तो हमारा जितना भी मूड था आप लोगों को इसका दिखा दिया, तो इसका भी आप लोगों को मतलब कोई भी फोटो खींच के नहीं दिखाया, वो भी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे, जो आप वो जो भी मूड आप लोगों को दिखाए उस मूड से आप लोग कैसा फोटो खींच सकते हो वो भी फोटो आप लोगों को दिखा देते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए लाइक जरूर करिए, और आप लोग मेरा चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।